मैं विराजित देवी माँ को भी प्रणाम करता हूँ और बाबा महाकाल की धरती जाता हूँ तो आपको भी प्रणाम करता हूँ। बोले महाकाल महाराज की, आपके नारों के गुंजायमान की ताकत बता रही है कि हवा किधर बह रही है। अपने आप एहसास हो रहा है आपको वाकई लग रहा है। मुझे मालूम है कि कल हमारे विरोधी दलों की सभा इसी स्थान पे हुई थी, लेकिन जैसे अपवित्र चीज को पवित्र करने के लिए गंगा जल छिटकना पड़ता है, ऐसे आपके सबके यदुवंशियों के चरण धरे तो सारी की सारी चीजें अपवित्र से पवित्र हो जाती है। मैं ये पक्का गारंटी ले सकता। और यदुवंशी कौन जो भगवान कृष्ण को माने, गोपाल कौन जो गाय पाले और जो भारत माँ की जय जयकार करे। और अब की बार तो और आनंद आया जब बहन अपने रिकॉर्ड बता रही थी कि आपने पिछली बार वोट दिया उनको और उस वोट ने कैसा काम किया। पहला काम किया 40,000 निरपराध लोग मारे गए कश्मीर के अंदर। उस कश्मीर के ऊपर कलम की धारा जो 1947 से लगी हुई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो धारा 370 को समाप्त करने का रिकॉर्ड आपकी बहन के माध्यम से ये गौरव कोडरमा को भी मिला। कई बहनों के मंगल सूत्र टूटे, कई विधवा हुई, कई के परिवार उजड़ गए, कई के खानदान खत्म हो गए, लंबी खून की नदियां बहाई गई। आजादी के बाद ये कलंकित करने का कारनामा अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस और उनके साथ वालों ने किया है। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। और कितनी बेशर्मी के साथ बोलते थे, अरे धारा 370 हटाना असंभव है, ये कांग्रेस के लोग कहते थे। और धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। अरे एक चिड़िया भी नहीं मरी, चिड़िया ये 56 इंच वाले ने झटके के साथ खड़ी कर दी। ये कलेजा होता है। हम तो इस बात के लिए गौरवान्वित होते हैं कि बदलते दौर में जब भारत का अब इतिहास लिखा जाएगा तो इस देश में एक ऐसी सरकार, एक गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति, अब गरीब होना अपराध है क्या? आप बताइए अपराध है क्या? गरीब आदमी अपने जीवन को एक तरह से देश सेवा में दान करता है, पूरा जीवन अपनी देश सेवा के लिए लगाता है और इस देश में वो काम करता है जिसके माध्यम से अगर एहसान माने तो ये पूरा जीवन भी कम पड़ जाए। आप बताओ इस देश में आतंकवादी घटना होती थी 2014 के पहले और ये कांग्रेस और कांग्रेस वाले सारे लोग बड़ी बेशर्मी से बहाना बनाते थे कि हम क्या करें, ये पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, हम क्या करें, ये पाकिस्तान वाले मानते ही नहीं है, हम इनसे बात करेंगे, इनको समझाएंगे। ये सारी